आर्मोर एक ऐसी चीज है जो अपने वेयरर को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ उसके लुक को और भी ज्यादा एनहांस करता है, जिसे पहनने के बाद वेयरर का हमें एक गजब का लुक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। आज हम बिंटेन में दिखाए गए कुछ ऐसे कूल और अमेजिंग आर्मोर्स के बारे में जानेंगे जिनके फीचर्स अमेजिंग है जो अपने वेयरर को एक स्मार्ट लुक देते हैं। वैसे तो बिंटेन में आप लोगों को कई ऐसे पावरफुल आर्मोर्स देखने को मिल जाएगा, लेकिन हम सिर्फ उनमें से टॉप 5 बेस्ट आर्मोर्स को ही चूज करेंगे और उनके बारे में डिटेल जानेंगे, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 5 अस्कलन आर्मर। अस्कलन एक पावरफुल सोर्ड है और ये सोर्ड अपने यूजर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक आर्मर प्रोवाइड करता है। वैसे मुझे इस आर्मर का डिजाइन उतना भी खास नहीं लगा, यह हमें फॉरेवर नाइट्स के कॉस्ट्यूम से सिमिलर लगता है। इस आर्मर को सारा जॉस ने और बेन टेनिसन ने इस्तेमाल किया था। अस्कलन सोर्ड को इस्तेमाल करते टाइम ये सोर्ड जब भी अपने यूजर को आर्मर पहनाता है वो दिखने में काफी असम लगता है। ये आर्मर इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसने कई बार सार जॉस को डायगन के हमले से प्रोटेक्ट किया था, लेकिन आखिर में ये आर्मर उन्हें डायगन के हमले से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया जिसके वजह से उनका डेथ हो गया। लेकिन बेन ने इस आर्मर और अस्कलन सोर्ड की मदद से विलियस को तब हरा दिया था जब वो डायगन के पावर को अब्सॉर्ब करके बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया था, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये आर्मर एक बेस्ट आर्मर है। नंबर 4 मार्क 5 नैनोसिफ्ट नावल्ड एक्सो आर्मर। इस आर्मर को हम लोगों ने बेंटेन ओमनियो सीरीज में देखा था। इस आर्मर के क्रिएटर है ओपन मास्टर इंस्पेक्टर 13, ये लेवल 13 का एक टेक है। पेंटिन की सीरीज में इस आर्मर को बेन के कजन क्लैड 5 ने इस्तेमाल किया था। वो इस आर्मर को सिंक्रोटिस कह के बुलाता है और उसके ऑर्डर पे ही इस आर्मर के फीचर्स काम करने लगते हैं। एक ब्रेसलेट में लगे स्विच को दबाकर इस आर्मर को एक्टिवेट किया जा सकता है। एक्चुअली क्लैड 5 भी अपने लिए एक ओमनीट्रिक्स चाहता था ताकि वो बेन जैसा ही एक हीरो बन पाए, इसलिए उसने इस डिवाइस का नाम रखा सिंक्रोटिक्स। क्लैड को लगता है कि ये डिवाइस ओमनीट्रिक्स के मुकाबले 6 गुना ज्यादा बढ़िया है। वेल, ये तो पता नहीं है कि ये आर्मर ओमनीट्रिक्स से बढ़िया है या नहीं, लेकिन इसके फीचर्स कमाल के हैं। थोड़ी देर के लिए ही सही इस डिवाइस के बजट से बेन क्लैड 5 से जेलस फील करने लगा था। नंबर 3 पाइंडर्स कंटेनमेंट सूट। पाइंडर का ये कवच हमें एनर्जी के पास भी देखने को मिलता है। ये कवच एनर्जी के खतरनाक रेडिएशन से दूसरों को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ उसे फिजिकली भी स्ट्रांग बनाता है और ये आर्मर इतना मजबूत है कि इसे किसी भी तरीके से तोड़ा नहीं जा सकता है। सिर्फ केविन जैसे ऑस्मोसियन ही टेरेनाइट को ऑब्जर्व करके उस कवच को तोड़ सकते हैं। पाइंडर और हमारे एनर्जी के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के साथ साथ ये आर्मर उनके लुक को भी एनहांस करते हैं। इस कवच के साथ पाइंडर और भी ज्यादा खतरनाक दिखता है। ये कवच लेवल 3 का टेक है। इस आर्मर को और भी एक कैरेक्टर ने इस्तेमाल किया है जो कि द रूटर्स का एक मेंबर है और वो कैरेक्टर है लियांडर। नंबर 2 सिप। जूली का सिप अपग्रेड के स्पेसिस से बिलोंग करता है और वो एक आर्मर की तरह भी काम कर सकता है। जब जूली खतरे में होती है तो सिप उसे प्रोटेक्ट करने के लिए और उसे फाइट के लिए स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए उसे एक आर्मर प्रोवाइड करता है। जूली सिप के इस मोड को बैटल मोड कहती है क्योंकि इसके अलावा भी सिप दूसरे चीजों में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इस आर्मर मोड में सिप ने कई बार जूली को प्रोटेक्ट किया है। इसकी मदद से जूली ने प्रिंसेस लुमा जैसे एक पावरफुल टेट्रामेंट को भी डिफीट किया है। नंबर 1 रिटेलिएटर आर्मर। ये आर्मर हमें पेंटेन रेस्ट्रॉयल एलियन मूवी में देखने को मिला है, जहां आसमत के पापा ये सूट इस्तेमाल करते हुए हमें देखने को मिले थे। इस सूट के फीचर्स कमाल के हैं। ये आर्मर वो सब कर सकता है जो सब एक काल्पनिक मेकाबोर भी नहीं कर सकता है। हमारा अपग्रेड भी नहीं, इसके मदद से टेलीपोर्टेशन भी किया जा सकता है। अपग्रेड सूट जैसे दिखने वाले इस आर्मर का पावर एक नॉर्मल अपग्रेड सूट से कई गुना ज्यादा है। तो ये थे टॉप 5 पावरफुल आर्मर्स इन बेंटेन यूनिवर्स। आप लोगों को इनमें से कौन सा आर्मर अच्छा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। आप लोग विंटेज से रिलेटेड दूसरे वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो जो कि हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।